नमस्कार, एक बार आपका फिर से स्वागत है गोलगट्टम लकड़बट्टम में। आज हम CGS कप के बहुत ही महत्वपूर्ण दौर और जो एक कहते हैं ना कि एक जो टूर्नामेंट अंत की ओर वो आ चुके हैं। क्वार्टर फाइनल, पहला क्वार्टर फाइनल मैच आज खेला जा रहा है। दो बेहतरीन शानदार टीमों के बीच में CGS कप के ये जो बेहतरीन दो टीमें हैं वो हैं इक्वल्स और ACC स्पार्टन्स। दोनों ही टीमें बहुत ही बढ़िया अभी तक इस टूर्नामेंट में मैचें खेली हैं अपने अपने, और कहीं ना कहीं छाप छोड़ी है कि उनको लोग देखने के लिए आए हैं। और जितने भी हमारे YouTube के जितने भी व्यूअर्स हैं वो हर बार यही बातें करते हैं कि इन दोनों टीमों के जो शानदार खिलाड़ी हैं वो कहीं ना कहीं रन करते हुए और बॉलिंग में तो विकेट लेते हुए दिखाई दें। तो दोनों टीमों की बात करूं तो इक्वल्स जहां पर अपना लास्ट मैच बहुत ही अच्छी तरीके से खेली थी, लेकिन हालांकि वो जीत नहीं पाई थी इस फाइनल को, लेकिन ACC स्पार्टन्स पूरी सुसज्जित भरी हुई है ऑलराउंडर से। और एक दो जो एक बहुत ही बढ़िया टीमों का जो एक आज यहाँ पर मैच होगा, बहुत ही मज़ा आएगा आप सब लोगों को देखने के लिए। पर सेकंड स्लॉट में यहाँ पर मैच खेला जा रहा है, विकेट बिल्कुल सपाट है और कहीं पर भी यहाँ पर ड्यू तो इस टाइम पे होने के कोई अंजासा नहीं है, लेकिन देखिए कहीं कहीं पर मैं टूटता हुआ दिखाई दे रहा हूँ जो स्पिनर को कहीं ना कहीं यहाँ पर मदद मिल सकती है। और इस ग्राउंड में हमने ज़्यादातर देखा है कि बाउंड्री लंबी होने के चक्कर में एक साइड बहुत ज़्यादा बड़ी है, तो स्पिनर को कहीं ना कहीं मदद मिलेगी अगर फ्लाइट करेंगे तो। इक्वल्स की बात की जाए तो बहुत ही स्पिनर्स, अच्छे अच्छे क्वालिटी के स्पिनर्स हैं। आशीष की बात की जाए तो आशीष ने जहाँ पर इसी ग्राउंड में 7 विकेट भी अपने नाम पर कर चुके हैं इसी टूर्नामेंट में, तो कहीं ना कहीं एक बहुत ही बढ़िया कॉन्फिडेंस लेके अपने साथ चलेंगे। लेकिन ACC स्पार्टन बहुत ही बेहतरीन और बहुत ही अच्छी टीम है, अगर उनके बल्लेबाज अपने इस जोहर दिखा पाए इस बहुत ही बढ़िया मैच में तो कहीं ना कहीं मुकाबला एक बहुत ही दिलचस्प मोड पे जाएगा। तो आप लोग इस मुकाबले को देखने के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए और आइए चलते हैं टॉस की तरफ। तो ACC स्पार्टन से मेरे साथ मिस्टर अमित सर हैं। सर कॉन्ग्रेचुलेशन, आप टॉस जीत चुके हो, जो बड़ा मुकाबला एक क्वार्टर फाइनल मैच खेला जा रहा है दो बहुत ही बेहतरीन टीमों के बीच में, तो क्या डिसीजन है सर आपका? वील बैट फर्स्ट, कुछ स्पेशल देखा पिच पर आज? सेकंड मैच ऑन दिस विकेट, विकेट इज ऑलरेडी ऑन द स्लोअर स्लाइड, जो पहले मैच हुआ है वी सॉ द मैच एंड इट इज अ लिटिल ऑन द स्लोअर साइड, सो वी वुड लाइक टू पुट अ डिसेंट टोटल ऑन द बोर्ड एंड देन लेट देम यू नो प्लेस। बिल्कुल, और जैसा कि क्वार्टर फाइनल मैच है, अभी तक आप लोगों ने 4-5 मैच ऑलरेडी खेल चुके हैं इस टूर्नामेंट के, तो एक आप लोगों को सेटअप भी पता चल गया होगा कि क्या आपकी टीम में बेस्ट बैठ रहे हैं, तो उससे रिलेटेड कुछ टीम में आज चेंजेस किए गए या कुछ वही सेम टीम खिला रहे हैं जो आप लास्ट मैच हुआ? वी हैव अ गुड बैलेंस साइड बोथ फ्रॉम बैटिंग एंड बॉलिंग पर्सपेक्टिव, सो बैलेंस टीम विल गो विद द सेम टीम। चलिए सर, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने एक बहुत ही अच्छा मैच देखने को मिला। थैंक यू टू द गोलगट्टम टीम फॉर एक्सलेंट यू नो कवरेज ऑफ दिस टूर्नामेंट। थैंक यू सो मच सर। तो टीम इक्वल से मेरे साथ सर बरिंदर पाजी हैं। बरिंदर पाजी, बहुत बहुत मुबारक आपको एक क्वार्टर फाइनल मैच जो आप लोगों के बीच में खेला जा रहा है यहाँ पर CGS कप का। टॉस आपके हक में नहीं आया, अगर टॉस आपके हक में तो आपका क्या डिसीजन रहता? नहीं, अगर टॉस हमारे हक में आता तो हम तब भी फील्ड फर्स्ट करते, क्योंकि जैसा पिच आई तो चेज हुआ, लास्ट मैच में भी चेज हुआ देखा हमने, पिच बॉलिंग पिच है तो हम बॉलिंग फर्स्ट करते हैं। बिल्कुल, और जो मैं एक चीज़ जानना चाहूँगा, जो इक्वल्स की रणनीति है जो हर बार मैंने देखा कि टॉस पे एक अलग कैप्टन आता है, तो इसके पीछे का क्या मोटिव है? नहीं नहीं, अब कैप्टन चेंज कर दिया। अच्छा, कैप्टन चेंज कर दिया। अच्छा चलो, बहुत बढ़िया, बैलेंस करने के लिए करना पड़ता था। नहीं नहीं, बिल्कुल बहुत बढ़िया बात है ये तो। और जो आज की पिच दिख रही है बहुत ही स्मार्ट पिच दिख रही है, तो क्या आपके मन में टारगेट है कि टीम को कितने में रोका जाए? रोक देंगे 50 से पहले रोक देंगे और 15 में ख़त्म करेंगे, डोंट वरी। और क्या कहते हैं, हम जितनी बैटिंग पहले करें हम मोस्टली मैच हारे हैं, तो आज हमने तो टॉस जीत के भी बॉलिंग लेनी थी, तो इसलिए हक भी है हमारे। अभी तक आपकी शानदार बॉलिंग के जो हमने लुप्त उठाए हैं इस पूरे CGS कप में, हमारे काफ़ी व्यूअर्स के कमेंट आते हैं कि बहुत ही बढ़िया आपका एक्शन है, बहुत ही अच्छे रिदम से आप बॉल डालते हो, तो ये जो आपकी जो बॉलिंग शैली है कहाँ से आपको आई है? ये मैं तो बेसिकली मीडियम पेसर था, तो बाइक एक्सीडेंट से मेरा हाथ थोड़ा सा था कि थ्रो नहीं होता था, कुछ नहीं होता था, तो इसलिए फिर स्पिन भी आ गया बस, बट स्पिन में ज़्यादा अच्छा मिलता है। बंदर भाजी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका इंटरव्यू देने के लिए। होपफुली एक बहुत ही शानदार मैच आपकी टीम के लिए रहे और आगे का सफर आपके लिए आसान रहे। थैंक यू सो मच।
पानी देने
बोल रहे ऋषभ। एक बार आपका स्वागत है गोल गट्टम लगड़ बट्टम चैनल में। मैं संदीप नेगी माइक में आपका साथ देते हुए, माफ़ी कीजिएगा हम थोड़ा देर में आपसे जुड़ पाए हैं। और आज का एक बहुत ही महत्वपूर्ण मुकाबला सीजीएस कप का, जो कि गुड़गांव में थ्रीसीएस क्रिकेट ग्राउंड में खेला जा रहा है। बहुत ही सुंदर ग्राउंड, हरा भरा ये ग्राउंड और बहुत ही अच्छे विकेट। आज एसीसी स्पार्टन ने टॉस जीता और बल्लेबाजी करने का फैसला किया। शुरुआत अच्छी हुई लेकिन अमित के रूप में पहला विकेट एकोस ने अपने नाम लिया और चार ओवर की समाप्ति पर 36 रन और एक विकेट अभी तक हो चुका है। थोड़ी दिशा से भटके और अंपायर का फैसला वाइड रन। अगली बॉल अंकुश की, प्रयास था ड्राइव मारने का लेकिन असफल रहे। बॉल सीधा कीपर के दस्तानों में। अक्ष नागपाल अपनी गेंदबाजी करते हुए तीसरा ओवर लेते हुए और ये अच्छी बॉल सीधा पकड़ पे, कोई नुकसान नहीं यहाँ पर। अगली गेंद अक्ष की, सीधा खेला सीधा रोहित पर हाथ हो गई। इसी प्रकार कार का यहाँ पर ऊपर की गई है इतना सफल। लगता है कुछ प्लानिंग इस तरह से, जिस तरह से फील्ड सेट की गई है। अक्ष ने अभी तक बहुत ही शानदार गेंदबाजी करी है, 35 ओवर कर रहे हैं, मात्र 12 रन दिए हैं और एक बहुत ही शानदार कैच। जो प्लानिंग थी उसी प्लानिंग के अंतर्गत यहां पर एक विकेट दिलाया अपनी टीम को और ये दूसरा झटका लगता हुआ एसीसी स्पार्टन्स को। बहुत ही सूझबूझ प्लानिंग के साथ गेंदबाजी करते हुए अक्ष नागपाल अपनी टीम को दूसरी सफलता दिलाई। अंपायरिंग का भार संभाला हुआ आज यादव जी ने, बहुत ही जाने माने अंपायर इस ग्राउंड के, बहुत ही तजुर्बावान अंपायर। एसीसी स्पार्टन्स 5 ओवर 37 रन 2 विकेट। अच्छी गेंद, बॉल उतना ही रुक के आया जिस तरह से पहले भी बात कर रहे थे पिच में कि बॉल में घुमाओ, सूखा हुआ नजर आ रहा है। बहुत ही फ्लाइट की गेंद और ये कोशिश थी लेकिन पहुंच नहीं पाए। अगली गेंद वीरेंद्र पाजी की, छोटा बॉल और लेकिन गैप नहीं मिला, सीधा रोहित पुरी की हाथों बॉल और सीधे कीपर के दस्तानों में, सुरक्षित पहुंचाया गया। और ये पहली दिशाहीन गेंद और उसको उतना ही अच्छा खेला वरना यहाँ पर बॉल के पीछे, लेकिन ग्राउंड बहुत बड़ा है तो बाउंड्री तक नहीं पहुंच पाई बॉल और सीधा कीपर के दस्तानों में। 2 रनों का और इजाफा एसीसी स्पार्टन्स के। बनिंदर, कप्तान बनिंदर अपना अगला बॉल लेते हुए, फ्लाइट बॉल और उतना ही अच्छा खेला लेकिन पीछे रोहित पुरी, बहुत ही सेफ हैंड। जो ये बड़ा मुकाबला जीतेगा वो सीधा सेमीफाइनल में प्रवेश करेगा और आगे की राह भी बहुत मुश्किल हो जाएगी किसी भी टीम की, क्योंकि बहुत ही अच्छी टीम है इक्वल्स और स्पार्टन्स। अच्छी गेंद, न्योता दिया लेकिन उतने ही ढंग से संभाला बॉल को, पूरी
इज्जत दी उस गेंद को, और इसी के साथ पहला पावर प्ले यहाँ पर ख़त्म होता हुआ 6 ओवर की समाप्ति पर 41 रन और 2 विकेट के नुकसान पर एसीसी स्पार्टन्स। अच्छी गेंद, बल्ले का किनारा लेते हुए पैड पे लगी हल्की सी अपील, उत्साह भरी अपील। अक्ष नागपाल की जितनी भी तारीफ की जाए उतनी कम होगी, मात्र 12 रन अभी तक खर्च किए हैं और 2 विकेट लेने में भी सफल हुए हैं। और ये एक अच्छा शॉट खेला स्ट्रेट के, सीधा रोहित पुरी के हाथों पे, कोई मौका नहीं दूसरा रन लेने की। इस टूर्नामेंट में 7 विकेट बुलटॉस बॉल, और लेकिन उसी तरह से सजाई हुई है तो कोई नुकसान नहीं होगा। छोटी गेंद थी लेकिन उसका फायदा नहीं उठा पाए, थोड़ा ताकत से खेलने जा रहे हैं बल्लेबाज, नहीं टाइम तो नहीं फायदा होगा। अच्छी गेंद, अपना ओवर बहुत ही सही ढंग से एंड किया, मात्र 17 रन देकर 2 विकेट लिए अक्ष नागपाल ने, तो बहुत ही शानदार बॉलिंग अक्ष नागपाल द्वारा। अगले गेंदबाज आए हैं जितेंद्र सिंह के नाम से मशहूर, शॉर्ट गेंद लेकिन उसका फायदा नहीं उठा पाए, काफ़ी संभल के बल्लेबाजी की जा रही है एसीसी स्पार्टन्स की ओर से, जितना ग्राउंडेड शॉट खेल रहे हैं एक लग रहा है कि सूजी समझी यहाँ पर साजिश भी है कि उसी ढंग से यहाँ पर अपनी इनिंग को आगे बढ़ाएं, था एक स्कोर की ओर जा सकती है एसीसी स्पार्टन्स। और बहुत अच्छी गेंद, कोई मौका नहीं बल्लेबाज के लिए, कट करना चाहते थे लेकिन बहुत ही धीमे तरीके से फेंकी गई थी। ये एक बड़ा शॉट खेलने का प्रयास, लेकिन ग्राउंड काफ़ी बड़ा है, 70-80 मीटर की बाउंड्री है, तो और बहुत ही अच्छा लेट कट खेला लेकिन सिर्फ एक ही रन मिल पाएगा। ये अच्छी फील्डिंग यहाँ पर, अभी तक 10,000 व्यूवर्स लाइव इस वीडियो को देखते हुए, इस मैच को देखते हुए। बहुत ही सदी हुई गेंदबाजी यहाँ पर जॉनी भाई की तरफ से, जबरदस्त 8 ओवर की समाप्ति पर मात्र 49 रन और 2 विकेट का नुकसान यहाँ पर एसीसी स्पार्टन्स को लग चुका है। फाइनल देखने को मिला था यूबीसीसी और इक्वल्स के बीच में, बढ़िया गेंद, बहुत ही शानदार गेंदबाजी, लेकिन उतने ही सूझबूझ से हल्के हाथों से खेला बल्लेबाज ने और सिंगल चुरा लिया। तो एसीसी स्पार्टन्स एक काम अच्छा कर रही है कि डॉट बॉल कम खेल रही है, कोशिश उनकी यही है कि जितने सिंगल्स ले पाएँ और एक धीरे धीरे अपने टीम को एक ऐसे स्कोर पर लेके जाएं कि उनके बॉलर्स के लिए फाइट बनी रहे। तो ये आने वाले बल्लेबाज बहुत ही आक्रामक बल्लेबाज एसीसी स्पार्टन्स में भरे हुए हैं, तो जैसे जैसे गेम आगे बढ़ेगा पक्का गियर भी चेंज करेंगे। ये एक मौका बन सकता है इसी के साथ आउट, प्रणव के मिलती हुई पहली विकेट और एसीसी स्पार्टन को तीसरा विकेट का झटका लगता हुआ यहाँ पर 50 रन के 3 विकेट यहाँ पर खो चुकी है एसीसी स्पार्टन्स। नए बल्लेबाज आए नितेश कटारिया, और आते ही खाता खोला, और नहीं मुश्किल में पड़ सकते थे लेकिन हाँ फिर यहाँ पर जुगनी बहुत ही यहाँ पर एक
एक बड़ा शॉट खेलने का प्रयास, लेकिन सीधा रोहित पुरी के हाथों पे। नीतीश कटारिया को हमेशा देखकर ऐसा लगता है कि ऋषभ पंत को देख रहे हैं बल्लेबाजी करते हुए। हर तरफ के शॉट इनके पास मौजूद हैं, इनके तर्कस में जैसे जैसे बल्लेबाजी आगे बढ़ेगी तो आपको देखने को मिलेंगे। अच्छी गेंद यहाँ पर, बहुत ही बढ़िया। एक और ओवर की समाप्ति प्रणव के द्वारा, 9 ओवर की समाप्ति पर मात्र 52 रन और 3 विकेट अपनी खो चुकी है ACC स्पार्टन्स। क्या एक ओवर अभी घंटे में ला लोगे? अगली गेंद धोनी पाजी की और सीधा हाथ में, कोई भी रन लेने का कोई भी चांस नहीं। अगली बॉल जॉनी पाजी की, लेकिन सीधा फील्डर के हाथों में। बहुत ही शानदार गेंदबाजी हो करते हुए जॉनी पाजी। और हल्के हाथों से खेला और एक रन चुरा लिया। अच्छी गेंद, एक और प्रयास था हल्का तो से खेलने का। कीपर के पास मौका भी था, लेकिन काफी कठिन मौका था ये। आखिरी बॉल इस एंड की, और अच्छी गेंद एक और। बहुत लेट कट खेला, मुश्किल भी हो सकती थी बल्लेबाज को। इसी के साथ 10 ओवर की समाप्ति पर 57 रन 3 विकेट नुकसान पर। गोलगट्टम लखड़पट्टम जो क्रिकेट का हिंदी अनुवाद होता है जी, वो इनका यूट्यूब चैनल है। और आप प्लीज उस चैनल को सपोर्ट कीजिए जितना आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। स्पोर्ट्स तक कुछ करते ही आप, इनको भी कीजिए। और ये बहुत ही शानदार 6 रन आते हुए, जिस चीज की जरूरत थी वो यहाँ पर आती हुई। एंड चेंज होते ही पहली ओवर पे छक्का यहाँ पर, और बहुत अच्छी गेंद डॉक्टर को धकेला बल्लेबाज को, कोई मौका नहीं यहाँ पर। बहुत ही बढ़िया लेट कट खेला हल्के हाथों से, एक रन और अपनी टीम के लिए। चतुराई से सिंगल चुरा लिया दोनों ही बल्लेबाजों ने। बहुत ही अच्छी बल्लेबाजी देखने को मिल रही है अभी तक। तो बहुत ही अच्छे शॉट कवर्स के ऊपर से खेला गया, हालांकि बाउंड्री नहीं मिल पाएगी, लेकिन दो रन और अपनी टीम के लिए यहाँ पर जोड़ते हुए दोनों बल्लेबाज। रनिंग बिटवीन द विकेट बहुत ही अच्छी होती हुई। और एक अच्छा शॉट रिवर्स स्वीप करके एक और बाउंड्री अपनी नाम करी यहाँ पर बल्लेबाज समीर ने। इसी के साथ स्कोर बढ़ता हुआ ACC स्पार्टन्स का 71 रन, बहुत बड़ा ओवर यहाँ पर आता हुआ ACC स्पार्टन्स के लिए। 14 रन से जोर में आए हैं समीर सिंधे अपने 27 रन की इसी स्कोर पर पहुंच चुके हैं, और मात्र 20 गेंदों का सामना किया है उन्होंने। अब थोड़े गियर चेंज करते हुए ACC स्पार्टन्स अच्छा शॉट, लेकिन मात्र एक रन की यहाँ पर बल्लेबाजों की। और बहुत ही अच्छे ढंग से खेला इस गेम को बहुत ही अच्छा कट खेला, और उतनी
खराब फील्डिंग यहाँ पर देखने को मिली और सिर्फ 4 रन के लिए नीतीश के बल्ले से आता हुआ पहला बाउंड्री। जैसे कि मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, नीतीश जैसे जैसे खेलेंगे वैसे वैसे ये गेम आपको तेजी से आगे की ओर बढ़ता हुआ दिखाई देगा। अच्छी गेंद, वापसी करी, लाइन पे आते हैं, एक और अच्छी गेंद, कोई मौका नहीं हो, लेकिन फिर वही बात, साधारण फील्डिंग यहाँ पर देखने को मिल रही है कोच की तरफ से। इस टाइम कोई कोई रन लेने का कोई भी चांस नहीं था, लेकिन फील्डर ने अपने हाथों से यहाँ पर रन देते हुए और जुड़ता हुआ बारह ओवर की समाप्ति पर 73 रन 3 विकेट। और अच्छी गेंद थी लेकिन बहुत ही चतुराई से सिंगल लिया और ये एक ओवर थ्रो का ओवर हो सकता है, लेकिन नहीं, मना किया समीर ने। लेकिन नीतीश ने मना किया और वापस भेजा समीर को। जानते हैं समीर की विकेट की समीर बहुत ही इसलिए सामने आ गए बल्लेबाज, ऐसा अपना दिया तोहफे के रूप में एक कोच को दे दिया विकेट। अच्छा खेल रहे थे अभी तक, लेकिन कहते हैं ना कि कभी कभी क्रिकेट में यही होता है कि बल्लेबाज को आउट करने में दूसरी टीम असमर्थ रहती है, लेकिन बल्लेबाज खुद कोई ऐसी गलती कर देता है जिसका परिणाम स्वरूप बाहर जाना पड़ता है। विकेट बहुत ही अच्छी बल्लेबाजी कर रहे थे समीर ने, आउट होने से पहले 30 रन का योगदान अपनी टीम कर दिया। ही खाता खुला तेरह ओवर ये चलता हुआ, 13 की आखिरी गेंद टाली जाएगी। अभी तक जिन किसी ने हमारे चैनल को गट्टम लगा बट्टम को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज यूट्यूब पर जाकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपना प्यार हम पे ऐसे बनाते रहिए, क्योंकि आप हम तक बताइए आपको तक पहुँचाने के लिए। कीप सपोर्टिंग अस। एक अच्छी खेल बैकफुट पे जाकर हल्के हाथों से खेला नीतीश ने और एक बहुत ही अच्छे ओवर की समाप्ति इक्वल्स के लिए 13 ओवर में 84 रन 4 विकेट के नुकसान पर यहाँ पर केसीसी स्पार्टन्स। आखिरी के 7 ओवर बचे हैं, एक अच्छा शॉट यहाँ पर आता हुआ नीतीश के बल्ले से, बहुत ही शानदार गोल गट्टम चौका आता हुआ नीतीश के बल्ले से। अच्छी गेंद, बहुत ही शानदार वापसी करी यहाँ पर और एक और अंतरिक्ष यहाँ पर आता हुआ
और हल्की सी चूक और उसका परिणाम शुरू यहाँ पर एक रन और, और ये बहुत ही बढ़िया बेकार थ्रो यहाँ पर आता हुआ आउटफिट के साथ साथ यहाँ पर ज्यादा नुकसान नहीं झेलना पड़ा एक्स्ट्रा जाते हुए। अच्छी गेंद यहाँ पर, अच्छी वापसी करी, कोई मौका नहीं बल्लेबाज के पास, छोटा गेंद लेकिन गैप में यहाँ पर कोई परेशानी नहीं। अच्छा थ्रो यहाँ पर, एक और छोटा गेंद पूरी जबरदस्त गेंद लेकिन इतनी शानदार फील्डिंग यहाँ पर सीधे थ्रू मारा लेकिन बल्लेबाज इतनी तेज और चतुराई से एक रन और चुरा लिया अपनी टीम के लिए। डायरेक्ट हिट की डायरेक्ट हिट हमेशा ही क्वेश्चनेबल होती है लेकिन अंपायर कर ले सरोने हैं यहाँ पर। और एक और अच्छा शॉट यहाँ पर खेला बिल्कुल बीच गैप में और कोई मौका नहीं दोनों ही फील्डरों में, बहुत ही ज़बरदस्त गैप घूमा यहाँ पर ईशान ने, प्रशंसा के काबिल ये शॉट। फील्डर अगली गेंद, और बहुत ही बढ़िया गेंद, बहुत ही बढ़िया, कोई मौका नहीं, जबरदस्त गेंद यहाँ पर डाली गई बलिंदर सिंह की, कप्तान बलिंदर सिंह की टीम को शानदार वापसी करेगी, कोई भी यहाँ पर शंका नहीं किसी की भी, ये पगभादा आउट नहीं हुए हैं, बिल्कुल मिडल में खा गए और इसके साथ 99 रन पर 5 विकेट अपने खो चुकी है, लगभग आधी टीम पवेलियन में जा चुकी है, उनकी खिलाड़िया बीच बनी रहेगी। हाईएस्ट स्कोर है 137 रन, गेंदबाजी जी द्वारा बहुत ही बढ़िया गेंदबाजी करी है, 3 ओवर में मात्र 17 रन दिए और एक विकेट जो महत्वपूर्ण विकेट था वो अपने नाम किया, ऐसा लग रहा है कि इसे बहुत ही पूर्ण रूप से खेलने के लिए आए हैं और निमंत्रण दिया बहुत ही सीधा खेला। इसी के साथ एसीसी स्पार्टन्स 101 रन बना चुके अभी तक 5 विकेट के नुकसान पर 15 ओवर में, अब आखिरी के 5 ओवर में देख लेते हैं कितना स्कोर यहां पर एसीसी स्पार्टन्स अपने बॉलर्स के लिए रखेगी। और एक बहुत बड़ा झटका यहाँ पर लगता हुआ एसीसी स्पार्टन्स को नीतीश के रूप में आसूम से ही थोड़ा फंसे नजर आ रहे थे लेकिन बहुत ही अच्छे विकेट दिलाए यहाँ पर ऋषभ ने अपनी टीम को।
अजिंदर पाल आए हैं बल्लेबाजी करने के लिए और बहुत अच्छी गेम थी। एक और अच्छी गेम, बड़ा शॉट खेलने जाते हैं लेकिन बल्ले पे बॉल चढ़ नहीं रही है, जिसके कारण जो रेंज है वो रेंज कम रह जा रही है बल्लेबाजी की। अच्छी गेंद यहाँ पर और उतना ही अच्छा बैकअप एम एस पाटी द्वारा। हवा में यहाँ पर लेकिन मुश्किल हुआ कैच करना क्योंकि और इसके साथ दो रन ओवर पड़ते हुए एक और अच्छी गेंद टीम के लिए और ये बहुत ही बड़े शॉट तेज द्वारा सीधा चार रन की ओर जाते हैं। कप्तान गेंदबाजी और ये मौका बन सकता है नस्पाजी के लिए और बहुत ही शानदार कैच सातवां विकेट यहां पर ज्यादा हुआ। यहाँ पर और सफट फलस्वरूप ये बॉल गैप में चली गई तो दो रन यहाँ पर ले लिए, बहुत अच्छा एफर्ट था बल्लेबाजी का। बड़ी बाउंड्री से दो रन आसानी से यहाँ पर मिल जाएंगे। इसी के साथ यहाँ पर 18 ओवर की समाप्ति होते हुए और 120 रन 7 विकेट के नुकसान पर तो वो बाहर नहीं आ पा रही है। यहाँ पर वरना बहुत ही अच्छी बल्लेबाजी भी करते हैं तो इक्वल्स की टीम का नाम जिस तरह से रखा गया इक्वल्स, अब समझ में आ रहा है कि किस लिए उनका नाम इक्वल्स रखा गया, क्योंकि सभी जो उनकी टीम के प्लेयर्स हैं कुछ ना कुछ योगदान और हर प्रकार का योगदान देना जानते हैं। अच्छी गेंद, कोई मौका नहीं, रवि को नीतीश को स्ट्राइक बनाना होगा अगर अपनी टीम के लिए रन यहाँ पर जोड़ने हैं तो। देखिए कितनी शानदार पता है और एक अच्छा शॉट बड़ा शॉट लेकिन यहाँ पर एक और विकेट यहाँ पर जाता हुआ रवि दत्त के रूप में 120/8 विकेट यहाँ पर खो चुकी है एसीसी स्पार्टन्स। गेंदबाजी पर और यहाँ पर
जो कोशिश पहले भी रवि को करनी चाहिए वो कोशिश यहाँ पर आई नितिन सरीन के द्वारा और नीतीश को लाए हैं बल्लेबाजी एंड पे, क्योंकि जितने गेंदे नीतीश यहाँ पर से खेले हैं उतना ही फायदा इसी चीज पार्टन हो सकता है। और बहुत ही बढ़िया शॉट गैप पे खेला है लेकिन आशीष पीछे है कुछ यहाँ पर बैट फंस गया शायद और एक बहुत ही यहाँ पर दुर्भाग्यपूर्ण से रूप से यहाँ पर आउट होते हुए अच्छी गेम और एक एच के रूप में यहाँ पर बॉल तेजी से बाउंड्री की तरफ जाते ही स्लो छप्पियास था यहाँ पर रोहितपुरी का लेकिन गेंद सीमा रेखा के पार और चतुराई से और पंच उड़ा लिया। बहुत बड़े सर हम जैसे कि पहले ही बात कर रहे थे कि नीतीश जितने ज़्यादा इनिंग खेलेंगे इतनी बॉलें खेलेंगे नीतीश उतना फायदा यहाँ पर होगा और वही होता हुआ रिकॉर्ड बहुत बड़े शॉट बिल्कुल गैप में खेला हुआ नीतीश कटारिया जबरदस्त बल्लेबाजी करते हुए अपनी टीम के लिए एक बहुत बड़े मुकाबले में बहुत ही करोड़ों करोड़ का मैच ये चलता हुआ एसीसी स्पार्टन्स और रिकॉर्ड्स के बीच में 40 रन के अपने निजी स्कोर में पहुंच चुके हैं मात्र 25 गेंदों का सामना किया है 6 चौके उसमें शामिल हैं बाकी बल्लेबाजी में थोड़ा नीतीश का साथ कम दिया लेकिन उसके बावजूद बाकी टीम को अपने बॉलिंग भी करते हैं तो ऐसे मुकाम पर लेके जा रहे हैं जहाँ पर बॉलर्स के लिए नहीं आ पा रही स्टंपिंग के रूप में यहाँ पर लगाए तो अब 40 रन का स्कोर नीतीश कटारिया 40 रन बहुत ही शानदार बल्लेबाजी करी कहीं ना कहीं अपनी टीम को ऐसे मुकाम पर लेके गए जहाँ पर लड़ने के लिए कुछ है जबरदस्त बल्लेबाजी नीतीश द्वारा .139 रन का टारगेट रखा है एक वर्ष के सामने एक वर्ष बल्लेबाजी बहुत ही शानदार बल्लेबाजी शानदार बैटिंग टीम है तो उम्मीद करते हैं बहुत ही शानदार मैच आप लोग सबको देखने को मिलेगा एसीसी स्पार्टन से मेरे साथ मिस्टर नीतीश भाई हैं नीतीश भाई बहुत बहुत स्वागत है आपका एक बहुत ही अच्छी इनिंग आपके बल्ले से आई हालांकि आज देखा कि जो आपकी शैली है आप बिल्कुल उसके विपरीत खेलते हुए दिखाई दे रहे थे तो
तो हम सबको उम्मीद थी कि एक बहुत बड़े बड़े लंबे लंबे शॉट देखेंगे, लेकिन उसके पीछे आई थिंक विकेट का भी कोई बड़ा बहुत बड़ा रोल था, और जो जिस प्रकार से आपकी विकेटें गिर रही थी, तो क्या माइंड सेट चल रहा था आपके दिमाग में वहाँ पर उस टाइम पर? बेसिकली एक ही माइंड सेट था, थोड़ा सा हमारा जो स्टार्ट था वो ठीक था, बट उसके बाद जो विकेट का जो थोड़ा सा कंटिन्यूसली बैक टू बैक विकेट आई, तो उसके बाद थोड़ा सा स्कोर हमारा स्लो हो गया था, उसको थोड़ा सा ध्यान में रख के थोड़ा सा एक लंबी पारी खेलने की उस पर था, सो दैट हम लास्ट में जाके थोड़ा सा हिट करके अपना 140-150 लेंगे, बट स्टिल हम 10 रन शॉर्ट है, बट फाइट करेंगे हम 10 रन के लिए। बिल्कुल, जैसे आगे हमने शुरू से भी देखा था कि आप लोग काफ़ी संभल के भी खेल रहे थे, आज कुछ स्पेशल प्लानिंग थी कि विकेट अपनी एंड तक अपने हाथ पे रखनी है, हालांकि वो काम नहीं आ पाई, तो जिस तरह से अभी तक विकेट खेल रहा है, क्या लग रहा है कि अभी कितने रन हमारा शॉट रह गया? एक्चुअली जो सुबह हम हमारे ओपनर जो बैटिंग कर रहे थे उस टाइम एक दो के बाद विकेट जो उन्होंने जज की थी वो विकेट थोड़ी स्लो थी और थोड़ी डाउन थी, तो उसके अकॉर्डिंग जो हमने जो ओपनर्स ने हमें बताया कि 40-45 रन सिक्स ओके है, तो उसके अकॉर्डिंग 140-150 स्कोर इज ओके, तो 140-150 यहाँ पे विनिंग स्कोर हो सकता है। अभी 130 रन आपके बन चुके हैं, 139 रन का टारगेट है, एक बहुत ही बड़ा मुकाबला है क्योंकि यहाँ पर करो मरो का मैच है, ये क्वार्टर फाइनल चल रहा है, इसके बाद सेमीफाइनल मैच है, अभी आपकी बॉलिंग करनी भी बाकी है आपके आपके हाथों से, तो क्या मतलब क्या अभी प्लानिंग क्या चल रही है? बेसिकली सर अभी एक ही प्लानिंग है कि हम जितना विकेट टू विकेट बॉल करेंगे उतना बेटर है विकेट पर, अदरवाइज हल्का सा रूम देता है तो शॉट आ सकते हैं, बट विकेट टू विकेट बॉल करेंगे तो बैट्समैन के ऊपर ही प्रेशर है क्योंकि डबल पेस विकेट है। चलिए उम्मीद करते हैं कि एक बहुत ही अच्छा मैच आपके लिए, अब ये सेकेंड एंड भी रहे और हमको एक अच्छा मैच देखने को मिले और आगे भी आपकी और बैटिंग हम लोग उठा पाए। थैंक यू सो मच। और दूसरी पारी का ये पहला ओवर, पहली बॉल रोहितपुरी को, अच्छा बैक फुट पे खेला रोहितपुरी और ये बहुत ही मुश्किलों में हो सकते हैं रोहितपुरी, लेकिन वापसी आए और बाल बाल बचे यहाँ पर पहली बॉल पे। अगली बॉल अच्छी गेंद यहाँ पर और बहुत ही करारा शॉट यहाँ पर रोहितपुरी के बल्ले से आता हुआ, जिस प्रकार की इनकी शैली है, जबरदस्त शॉट। अच्छी गेंद यहाँ पर पूरी तरह से बीट किया, थोड़ा नीचे भी रही गेंद, रोहितपुरी और हैरी यहाँ पर अपनी टीम के लिए ओपनिंग करते हुए दोनों बल्लेबाज, 135 रनों की दरकरार 16 गेंदों में, रिक्वायर रन रेट 6.98 था, तो ज़्यादा मुश्किल नहीं होनी चाहिए उस टीम को इस टारगेट को चेज करने के लिए, सिर्फ इस यहाँ पर मुश्किल हो सकती है और ये एक बहुत आसान छोड़ गया यहाँ पर सीजीएस कप का, ये पहला क्वार्टर फाइनल खेला जा रहा है, बहुत ही शानदार ये बल्लेबाज हैरी को कुछ समझ में नहीं आया और बिना खाता खोले पहली ही गेंद में अपने विकेट गंवाते हुए एक कोर्स, यहाँ पर बहुत ही अच्छी गेंद थी, बल्लेबाज को चारों खाने चित करके सीधा गेंद कंडियों पे लगते हुए और जबरदस्त वापसी। तुम्हारी स्विंग चले भाई, अरे नहीं वो टीम वो टीम को बहुत ही बढ़िया बेहतरीन शॉट बैक फुट पर जाके कवर ड्राइव मारा, जबरदस्त यहाँ पर पंच देखने को मिला रोहित के बल्ले से, ये
मार के रोका और बॉलिंग से नहीं, बैटिंग से नहीं, सिर्फ विकेट लेने से ही कर सकते हैं। इसी बीच बाजू उड़ा शॉट, फिर वापसी वही शॉट गेंद और उसका पूरा फायदा उठाया, जबरदस्त। काफ़ी तेज़ तरार शॉट मारे जाने के लिए जाने जाते हैं, लंबे लंबे शॉट, काफ़ी उनकी बाजुएं सख्त और कंधे मजबूत हैं जिससे उनको पूरा सहायता मिलती है उनको बाउंड्रीज के बाहर पहुँचाने के लिए। एक वर्ल्ड टीम से काफ़ी लंबे समय के लिए कप्तानी भी कर चुके हैं तो अनुभव है उनको अच्छा क्रिकेट खेलने का। और एक और अच्छी बॉल, अगर एसीसी स्पार्टन्स थोड़ा रोहित पुरी को आगे खिलाने के लिए मजबूर करेगी तो शायद कुछ सफलता मिल सकती है, क्योंकि आप शॉर्ट पिच गेंदबाजी करते रहेंगे तो रोहित पुरी को इतनी मुश्किल नहीं होगा क्योंकि यहाँ पर विकेट लेने का बहुत ही कम चांसेस होंगे। हालांकि एक चांस बना था पर असफल रहे कप्तान जी के हाथ से। आज जो गेम यहाँ पर मैच आ रही है यहाँ पर जिस वक्त में आप ही मैच होगा थ्रो मार दिया और स्ट्राइक एंड पे थ्रो होता तो शायद मुश्किल हो सकती थी यहाँ पर। यहाँ पर शरीर पे के लिए बाउंस मान नहीं पाए और कंधे पे जाके उनके सीधे बॉल नहीं। और बहुत ही बढ़िया बॉल, बहुत ही अच्छा दिमाग लगाया कि पहला बॉल बाउंस और अगला बॉल बिल्कुल ऊपर, जिस बात की हम चर्चा कर रहे थे कि जितना गेम आप ऊपर फेंकेंगे उतनी आसानी होगी विकेट लेने में और आप अटैकिंग क्रिकेट भी खेल सकते हो। तो उसका परिणाम स्वरूप यहाँ पर एक और बहुत बड़ा विकेट एक बॉल्स के लिए। बहुत ही अच्छी गेम खेले, स्लिप जैसी हटाई वहीं से और सीधा बाउंड्री लाइन के लिए चार रन के लिए नए बल्लेबाज की बहुत ही अच्छी बल्लेबाज है। सबने अपना इसी के साथ खाता खोला। बहुत ही अच्छा सीधा खेला है परसों। ये सुसाइड रन आउट यहाँ पर देखने को मिला, अच्छा खेल रहे थे मोल लेकिन बहुत ही यहाँ पर मुश्किल आ गए यार, कहीं से भी रन नहीं था और फलस्वरूप ये फोर विकेट।
अच्छी गेंद यहाँ पर खेला, एमएस पाजी आए हैं, एमएस के नाम से बहुत ही फेमस। और एक और एज लगती है, लगते सीधा बाउंड्री रन, बाउंड्री के पार चार रन गिरे। पहली बॉल खेलेंगे शाम की, अच्छी तरह से खेला, ये तो गेंदबाजी बहुत अच्छी हुई है इस पैटर्न की ओर से। छठी ओवर की पहली ओवर अच्छी गेंद, अच्छे ढंग से खेला और एक रन और आसानी से चुरा लिया। शॉट कवर्स के ऊपर से खेला हुआ, फील्डर बॉल के दोनों पीछे हैं, तीन तीन फील्डर गेंद को पकड़ रहे हैं, तीसरे रन की ओर देखेंगे, लेकिन राउंड बढ़ा के और एनर्जी भी बचा कर देंगे। और एक बहुत ही बढ़िया शॉट, चार रन और मिलेंगे यहाँ पर इक्वल्स के लिए। तो इक्वल्स तो हिसाब करके आएगी, विकेट कितने भी गिरे लेकिन वो अपना गेम नहीं छोड़ने वाले, अटैक करने की ओर देख रहे हैं। और ये अच्छी बात भी है क्योंकि अगर आप विकेट अपने हाथ पे कितने भी रख लो और रन ना आए तो किसी काम के नहीं रह पाएंगे, इसलिए इक्वल्स की सोच अच्छी है कि विकेट जितने भी जाए अपने रन में जो जाएँ। और एक अच्छा शॉट, मारना चाहते थे लेकिन जब उनको दिखाई दिया कि बॉलर ने अपनी उंगलियों का यूज़ किया है तो अपने हाथों को कंट्रोल किया। अच्छी गेंद यहाँ पर विशाल के द्वारा, छः ओवर की समाप्ति के बाद मात्र 42 रन और 3 विकेट यहाँ पर एसीसी स्पार्टन्स ले चुके हैं, 5 विकेट मात्र 16 रन देकर। अच्छी गेंद, बहुत बड़ा ग्राउंड, निश्चित रूप से 2 रन यहाँ पर आराम से मिलेंगे दोनों ही बैट्समैन को। बाजी के नाम से जान करते हैं, काफी सोच बहुत बड़ी बल्लेबाजी करते हुए। बहुत ही बढ़िया पैडल स्विंग कर दिया, निश्चित रूप से 2 रन तो जरूर मिलेंगे। और तीन रन यहाँ पर बहुत ही चतुराई से चुका लिए दोनों बल्लेबाजों ने।
अच्छी गेंद। बहुत ही बड़ा शॉट सेंटर से दर्शक बने रहेंगे यहाँ पर और से चंडीगढ़ की तरफ चलती रही है। यहाँ पर छोटा गेंद फेंका गया अगली गेंद तो भाई हम क्या कर सकते जब बैटिंग तो बहुत ही बढ़िया शॉट यहाँ पर लेकिन फील्डर सीधा पीछे खड़े हुए और किसी प्रकार की क्षति यहाँ पर नहीं हुई। मुश्किल में हो सकते थे बल्लेबाज लेकिन गेंद पहले ही यहाँ पर गिर गई। आज इक्वल्स टीम जिस आक्रामक शैली पर खेलने के लिए आई है थोड़ी बहुत गलतियाँ भी हुई उनसे लेकिन अभी भी रन बॉल ही रन चाहिए तो इतनी बड़ी चिंता की बात नहीं है। अच्छी गेंद उतने अच्छे ढंग से खेला और चतुराई से यहाँ पर एक और रन चुराया। अगर ACC स्पार्टन को ये मैच जीतना है तो कहीं ना कहीं जो ये 30 के रन्स हैं उनको रोकना पड़ेगा क्योंकि जिस तरह से आसानी से रन्स आ रहे हैं धीरे धीरे एक और सपने एक बहुत ही बढ़िया शॉट एक और बेस्ट शॉट निकलता हुआ निश्चित रूप से 6 रन देके जाएगी। बहुत ही ज़बरदस्त बल्लेबाजी करते हुए ऋषभ पनवार अपनी टीम को एक निश्चित रूप से विजय की तरफ ले जाती हुई ये जो ये इनिंग है लंबे टाइम के लिए याद रखी जाएगी अगर वो टीम इस इनिंग के द्वारा अपनी टीम को जिताए। इसके साथ 8 ओवर की समाप्ति पर 62 रन फिट मुहिम है वो भी साकार होती है। एक और अच्छा शॉट यहाँ पर मनिंदर पाजी के बल्ले से निकलता हुआ बहुत ही सूझबूझ भरी और पारी देखने को मिल रही है मनिंदर के बल्ले से माफ़ कीजिएगा मनदीप के बल्ले से MS पाजी बोलना अच्छा है इनके लिए। ज़बरदस्त बल्लेबाजी करते हुए MS पाजी फुल महेंद्र सिंह धोनी की याद दिलाते हुए कोई रिस्क नहीं ले रहे हैं ना तो इश्क है ना तो रिस्क है बहुत ही अच्छा। नीतीश कटारिया पॉइंट के इलाके से आती हुई लेकिन सिर्फ अपील ही थी लेग साइड की ओर जाती हुई। नीतीश कटारिया एक ऐसे ऑलराउंडर हैं इस CGS कप के जिन्होंने अपने आप को साबित किया और एक बहुत ही बढ़िया शॉट इस बार भी निकली दिल्ली से और सीधा गई चंडीगढ़ के लिए जबरदस्त छक्का बहुत ही जिस प्रकार की उनकी कटकारी है उसी प्रकार के लंबे लंबे शॉट यहां पर खेलते हुए सबसे लंबे एंड पे यहाँ पर निश्चित रूप से 100 मीटर जा चुका है। देश कटारी की अगली बॉल और एक और लंबा शॉट गजब की बल्लेबाजी यहाँ पर देखने को मिल रही है जबरदस्त बल्लेबाजी यहाँ पर ऋषभ के द्वारा ये तीसरा छक्का उनके बल्ले से आता हुआ बहुत ही अच्छी गेंद यहाँ पर नौ ओवर की समाप्ति पर यहाँ पर 75 रन 3 विकेट के नुकसान पर और बहुत ही क्लोज कॉल थी लेकिन
अच्छी सूझबूझ भरी बल्लेबाजी हुई एमएस के द्वारा। बहुत ही बढ़िया बॉल, मौका नहीं इसका मुख। एक और बड़ा शॉट यहाँ पर फील्डर नीचे, लेकिन मात्र दर्शक बने यहाँ पर रह जाएंगे। ऋषभ आज जिस शैली में बल्लेबाजी कर रहे हैं, अलग ही बल्लेबाजी करते हुए, और यहाँ पर 10 ओवर की समाप्ति के बाद एक और का स्कोर 84 रन, मात्र 55 रनों की और यहाँ पर जरूरत 60 गेंदों में। तो आइए चलते हैं ब्रेक की तरफ। गोलघट्टम लक्कड़पट्टम जो क्रिकेट का हिंदी अनुवाद होता है, वो इनका YouTube चैनल है, और आप प्लीज उस चैनल को सपोर्ट कीजिए जितना आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। स्पोर्ट्स तक कुछ करते ही आप, इनको भी कीजिए। पहली बॉल, बहुत ही बढ़िया शॉट, जबरदस्त यहां पर फील्डिंग, लेकिन देखने को मिली रोक नहीं पाएंगे। बल्लेबाजों को रोक सकते हो। एमएस पाजी का बहुत ही जबरदस्त शॉट, ग्राउंड लगभग यहाँ पर दर्शकों के सीधा झोली में गिरती हुई, सारे यहाँ पर उत्साह से यहाँ पर स्टेडियम गूंजता हुआ। बहुत ही बढ़िया शॉट, जबरदस्त कवर ड्राइव, बहुत ही शानदार कवर ड्राइव देखने को मिला यहाँ पर एमएस पाजी के बैट से। कहीं ना कहीं विराट कोहली की याद दिला दी, जिस तरह से बॉल के ऊपर आके जबरदस्त हेड पोजिशन, आर्म पोजिशन, बिल्कुल सीधी जबरदस्त यहां पर शॉट एमएस पाजी के बल्ले से निकलता हुआ। मुश्किल हो सकती है यहां पर। ओ सबके रूप में बहुत बड़ा विकेट यहां पर शुरू से जो यहां पर देखने को मिल रहा है कि दोनों ही बल्लेबाजों के बीच में समझ बूझ नहीं हो पाई यहां पर, और बहुत ही बड़ा विकेट यहां पर सबके रूप में जाता हुआ। शानदार बल्लेबाजी रही है चौके तीस रनों का योगदान, ये कोच की टीम निश्चित रूप से सही बन रही है। लेकिन क्रिकेटर भी लगभग लगभग कुछ ऐसा चलता हुआ, जब जब लगता है कि क्रिकेट गेम आसान जीती हो जाती है, जो जो बाधा होती है उसको क्रॉस करने के लिए और ये बहुत बड़ी विकेट एमएस पाजी के रूप में, बहुत बड़ी विकेट यहाँ पर दिलाई रवि दत्त ने जी। तो बहुत ही अच्छी बल्लेबाजी करी 30 गेंदों में, मान के 19 गेंदों में 30 रन का योगदान अपनी टीम। अच्छी यहाँ पर बॉल रवि दत्त को लगाना, अपनी टीम को वापसी कराने के लिए पूरा प्रयास कर रहे हैं। राहुल कुकरे जाए हैं बल्लेबाजी करने के लिए। विकेट भी बहुत बड़ी विकेट अपनी टीम को दिलाई। अच्छी गेंद, मुश्किलें पड़ सकते हैं यहाँ पर, अगर थ्रो थोड़ा सही होता तो निश्चित रूप से यहाँ पर बल्लेबाज परेशानी में आ सकते थे। बहुत ही शानदार ओवर, मात्र 1 रन दिया,
12वें ओवर में जो इससे पहले एक महंगा ओवर गया था उसकी पूरी भरपाई करते हुए रवि दत्त अभी भी 41 रन की और जरूरत है 48 गेंदों में और 5 विकेट और शेष। बहुत ही करीब फैसला लेकिन एम्पायर अपने पोजीशन पे बहुत ही आसान कैच छोड़ दी यहाँ पर ईशान द्वारा, कहीं ना कहीं मुश्किलें बहुत बढ़ सकती थी इक्वल्स के, लेकिन कैच को जितनी जल्दी भूलना पड़ेगा अगर इस मैच को वापस मोड़ना है अब एसीसी स्पार्टन्स को। ऐसे मौके अगर छोड़ते रहेंगे तो बहुत मुश्किल हो जाएगी एसीसी स्पार्टन्स के लिए। और इसी बीच अच्छा शॉट कवर्स की ओर खेला गैप में, निश्चित रूप से दो रन होने चाहिए थे लेकिन रनिंग बिटवीन द विकेट बहुत ही बेकार दिखती हुई यहाँ पर। अच्छी गेंदबाजी करते हुए फ्लाइट दे रहे हैं, बहुत बढ़िया गेम। तेरह ओवर की समाप्ति पर 101 रन इक्वल्स के लिए, अभी भी 38 रनों की और दरकरार 42 गेंदों में। और एक अच्छा शॉट यहां पर रूम बनाया अपने लिए लेकिन पीछे फील्डर हैं तो निश्चित रूप से दो रन और मिल जाएंगे। सिंगल के साथ अपनी टीम का स्कोर बढ़ाते हुए 4 रन 33 रनों की और दरकरार यहां पर निश्चित रूप से ये गेम जीतेगी। अच्छी गेम अच्छी फील्डिंग यहां पर, यही सपोर्ट चाहिए इसी पैटर्न को अपनी टीम से। एक एक फील्डर एकजुट होकर अगर फील्डिंग करेंगे तो 38 के सिंगल्स हैं उनको जितना रोकेंगे उतना प्रेशर इक्वल्स पर पड़ेगा और कहीं ना कहीं बड़े शॉट में खेलने के लिए उनको विवश करना पड़ेगा, तभी यह मैच रोमांच की तरफ बढ़ता जाएगा। बहुत बढ़िया गेंद थी, बहुत कोई मौका नहीं है और लेकिन अगर डायरेक्ट हिट होता तो ज़रूर निश्चित रूप से यहाँ पर एक और विकेट खो सकते थे इक्वल्स टीम। आज रनिंग बिटवीन द विकेट एक बहुत बड़ी चिंता का विषय रहा है। और एक और मौका बना बनता हुआ लेकिन थोड़ा सा आगे इसी साथ 14 ओवर की समाप्ति पर 106 रन 5 विकेट के नुकसान पर और दरकरार 36 गेंदों में। और बहुत ही बढ़िया शॉट यहाँ पर और ये बहुत ही बढ़िया अपील लेकिन लेग की तरफ मिस करती है। चल चल रोहित भाई
बहुत ही बड़ा विकेट यहाँ पर एक और जाता हुआ, जिस बात की हम यहाँ पर चर्चा कर रहे हैं कि अगर विकेट अपने हाथ पर रखेगी कोई टीम तभी यहाँ पर मैच जीत पाएगी, क्योंकि ऐसे मोड़ पे अक्सर यही गलतियाँ होती हैं और यहाँ पर बल्लेबाज ने वही गलती करी। बड़ा शॉट यहाँ पर खेलने की कोशिश करी और परिणाम स्वरूप एक विकेट, इसकी बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। अगले आने वाले बल्लेबाज आशीष बहुत ही अच्छे बल्लेबाज, ऑलराउंडर बल्लेबाज, सीजीएस कप में 7 विकेट अपने नाम पे कर चुके हैं एक ही इनिंग में और अच्छी खासी बल्लेबाजी भी जानते हैं, तो अभी भी उम्मीदें यहाँ पर बनी हुई हैं इक्वल्स के लिए। रवि बॉलिंग करते हुए गेंदबाजी करी रवि ने अपना पानी का आखिरी ओवर, बहुत बढ़िया गेंद, मात्र 15 रन कर चुके हैं 3 ओवर में और एक विकेट लेने में सफल रहे हैं, तो शानदार वापसी कराई है बॉलर्स ने मिलकर। अलग फायदा नहीं उठा पाई कोल्स वाले, एक अच्छा शॉट लेकिन पीछे फील्डर मौजूद और मैच पूरा रोमांचकारी हो चुका, अभी देखते हैं आप हमारे साथ बने रहिए। अच्छा शॉट यहाँ पर आशीष के द्वारा, काफ़ी अच्छा पंच किया, अच्छी बात ये रही कि सीधा खेलने की कोशिश करी ग्राउंड मारने की कोशिश रही, क्योंकि उनको पता है कि विकेट से ही यहाँ पर एसीसी स्पार्टन्स वापसी कर सकती है। 23 गेंदों में भी 26 रनों की और दरकरार, एक और अच्छा शॉट लेकिन पीछे फील्डर का जाल पूरा बिछाया हुआ है। नितिन सरीन ने बहुत ही अच्छी गेंदबाजी, चौथा ओवर अपना लेते हुए मात्र 19 रन यहाँ पर दिए हैं। आज जो इस इनिंग की बॉलिंग की बात की जाए तो कहीं ना कहीं नीतीश कटारिया का जो वो ओवर था बहुत महंगा साबित हुआ, बट अभी भी नीतीश से टीम को उम्मीद कि वापसी आके यहाँ पर वापसी कराएं टीम को। एक और अच्छा शॉट, और हवा में गेंद लेकिन फील्डर मात्र दर्शक बने रह जाएंगे इस बार भी। बहुत ही उपयोगी यहाँ पर 6 रन फ्लाइट भी थी यहाँ पर गेंदबाज ने, लेकिन मनी ने उसको हवा में ही खेला और परिणाम स्वरूप एक बहुत ही बेहतरीन छक्का आता हुआ, एक रिलीफ फुल छक्का मैं कहूँगा। अब मात्र 18 रन और चाहिए 19 गेंदों में। बॉल थोड़ा सा आगे गिरी, एक उम्मीद जगी थी एसीसी स्पार्टन्स की खेमे में, लेकिन हल्का सा बॉल आगे रह गया। 18 गेंदों में 18 रन
और यहाँ पर मनी पाजी काफ़ी ह्यूमिडिटी के शिकार होते हुए और ग्राउंड से बाहर जाना पड़ रहा है इस टाइम पे, जहाँ पर टीम को उनकी बहुत सख्त ज़रूरत थी, लेकिन प्लेयर की सेफ्टी भी उतनी ही ज़रूरत से पहले प्लेयर की सेफ्टी, इसलिए हम कैप्टन का दोनों का डिसीजन कि उनको बाहर भेजा जाए। तो आशा करते हैं कि वो जल्दी से अपनी बॉडी को सही टेम्परामेंट लेके आए। 18 दिनों के बाद मन्नी जो भी रिटायर हट होके गए हैं, 12 रन उन्होंने का योगदान दिया अपनी टीम के लिए और एक बहुत ही बड़े शानदार छक्का उसमें शामिल था। कप्तान बलिंदर पाजी बल्लेबाजी करने के लिए आए हैं, बहुत ही बढ़िया गेंद, लेकिन उतने ही अच्छे ढंग से खेला। निश्चित रूप से 2 रन यहाँ पर मिल सकते हैं और उतनी ही चतुराई से 2 रन यहाँ पर अपनी टीम के लिए। उससे ये मैच एक रोमांचकारी मैच बनता हुआ नजर आता हुआ सभी दर्शकों को। बहुत ही बढ़िया शॉट यहाँ पर बलिंदर पाजी का, कप्तान करीब यहाँ पर बहुत बढ़िया गेंद से दूर रखी और उसको कट करना कर रहे हैं, लेकिन इस सीरीज में बलिंदर 13 बॉलों पे 13 रन, बहुत ही अच्छी वापसी करी है इसी पैटर्न से। कम 2 रन जो टारगेट था रखा था उन्होंने, उसको अच्छा फाइट दिया है, हालांकि कुछ कैच भी छोटी लेकिन इसके बावजूद रोका हुआ है। अच्छी गेंद यहाँ पर, अब 12 गेंदों में 13 रन यहाँ पर क्या आ रही है। आखिरी 12 गेंदे, बहुत ही अच्छी गेंद यहाँ पर, ग्यारह गेंदों में 12 रनों की और दरकरार यहाँ पर। सबसे अनुभवी गेंदबाज यहाँ पर गेंदबाजी करने के लिए आए हैं 20 ओवर। बहुत ही बढ़िया गेंद, बहुत थोड़ा नीचे रहता हुआ, अगली गेंद खुशहाल, बढ़िया गेंद और बहुत शानदार कीपिंग यहाँ पर, जबरदस्त कीपिंग यहाँ पर। इस प्रेशर टाइम पे अपने नर्व्स को बिल्कुल थाम के रखा हुआ है कीपर और गेंदबाज ने, बहुत ही अच्छी गेंदबाजी देखने को मिल रही है। थोड़े कैचेस में छोड़े वो यही परिणाम स्वरूप आपको आगे मुश्किल पैदा कर सकती है। अगली बॉल और यहाँ पर मुश्किल हो गए, हो सकते थे, लेकिन फील्डर बैक पीछे गए, शायद सेफ खेलना ज़्यादा सही लगा इस टाइम पे। कप्तान अमित थे वहाँ पर, अगली बॉल और अच्छी गेंद, एक और बहुत ही बढ़िया फील्ड पोजीशन लगाई हुई है यहाँ पर एसीसी स्पार्टन्स में। जैसे जैसे शाम होने जा रही है उतना ही मज़ा आ रहा है इस मैच को रिकॉर्ड करने में भी। और अच्छी गेंद 2 रन के लिए देखेगी यहाँ पर, लेकिन मुश्किल में हो सकते हैं। ओहो, फील्डर ने या कीपर से थोड़ी बहुत थोड़ी सी यहाँ पर गैदर नहीं हो पाया और बहुत ही बढ़िया 2 रन प्राप्त किए अपनी टीम के लिए। अब आखिरी ओवर में मात्र 6 गेंदों में 8 रनों की और ज़रूरत इक्वल्स टीम को। शुरू से ही हम कह रहे थे कि ये गेम 50% पे अटका पड़ा है, तो अभी भी कौन करेगा उसकी यहाँ पर सच्चा।
दोनों ही टीमें कहीं ना कहीं इस जो प्रेशर को जो हैंडल कर लेगा, सिर्फ 6 बॉलों को हैंडल कर लेगा, निश्चित रूप से इस गेम को जीतेगा, सीजीएस कप के सेमीफाइनल में अपनी जगह बनाएगा और जो सीजीएस कप के बहुत ही खूबसूरत ट्रॉफी है उसको उठाने का भी हकदार बनेगा। तो सिर्फ एक जो नर्व्स है उसको हैंडल करना है। आशीष अपना जो लेवल है, हालांकि हाथोड़ी की बहुत है, हाथ बहुत जल्दी बहुत ज़्यादा कप्तान और आशीष ग्राउंड बीच में आप बात को निश्चित कर रहे हैं कि चाहे कुछ भी हो जाए हमें गेम जीतना है और सेमीफाइनल अपना। और बॉल हवा में, कीपर नीचे है और ये बहुत ही बड़ी विकेट बहुत बड़े ओवर में। आशीष के हाथ में ये सवा एक और विकेट किसी स्पार्टन को। पांच गेंदों में 8 रन की ओवर दरकार और मुश्किल में पड़ सकते हैं यहाँ पर, लेकिन एक रन छुड़ा लिया यहाँ पर। बल्लेबाजी करी थी लेकिन अभी तक इस महत्वपूर्ण मुकाबले में पर बल्लेबाजी करने नहीं आए हैं। अच्छी शॉट लेकिन खेलने के बीच में रुकेगी और 2 रन की ओर देख रहे हैं यहाँ पर। आसानी से यहाँ पर पहुँच गए हैं। कौन सी टीम जीतेगी? डाइसी पंकज जी का सोचना है कि डाइसी है, तो आप जुड़े रहिए। और एक बहुत ही बढ़िया फिर शॉट स्ट्रेट शॉट खेला गया से 2 रन की ओर देखते हुए और एक शॉट रन यहाँ पर। एक शॉट दूर लेकिन मात्र 1 रन और देखते हैं ये मैच टाई या वो जीतेगी या ये मैच एसीसी स्पार्टन्स जीतेगी। तो सिर्फ एक गेंद की बात है और सारे खिलाड़ी सर्कल पे, अगर 2 रन आते हैं तो ये मैच दोबारा से टाई होगा और सुपर ओवर की ओर बढ़ेगा। बहुत ही रोमांचकारी मैच आखिरी बॉल और ये एसीसी स्पार्टन्स ने ये मैच अपने नाम कर लिया। बहुत ही शानदार एसीसी स्पार्टन ने वापसी करी, कहीं ना कहीं बस ने मैच अपने हाथों से निकाल दिया और इसके साथ एसीसी स्पार्टन क्वालिफाई कर गई है सेमीफाइनल के लिए। कहीं ना कहीं बताऊँगा जो रणनीति थी उसमें कहीं चूक रही, इसके परिणाम स्वरूप ये मैच गंवाना पड़ा इक्वल्स को। लेकिन फिर भी हम इक्वल्स टीम की जितनी तारीफ की है उतनी कम होगी, जिस आक्रामक सोच से वो खेले उसके लिए बहुत ही शानदार उनको हमार बधाई और आने वाले टूर्नामेंट्स के मैचों के लिए और उनसे जुड़े रहने के लिए उनका बहुत बहुत धन्यवाद। ज़बरदस्त उत्साह देखने को मिल रहा है यहाँ पर इसी स्पार्टन्स में, बहुत ही अच्छी कॉर्पोरेट टीम। हालांकि आज ये ज़रूर उनके मन में होगा कि ये कहाँ पर कुछ गलतियाँ रहेंगे जो इतना मैच मुश्किल हुआ उनको जीतने के लिए, लेकिन अंत भला तो सब भला और एसीसी स्पार्टन्स क्वालिफाइड फॉर सीजीएस कप 2022। सो कॉन्ग्रेचुलेशन। अब आइए हम सीधा चलते हैं प्रेजेंटेशन की तरफ। आज बहुत ही महत्वपूर्ण मुकाबला दो बहुत ही बढ़िया टीमों के बीच खेला गया, जो आज टॉस आपके एसीसी स्पार्टन के हाथ में गया और जैसा कि सबको पता था कि टॉस जीतने के बाद बल्लेबाजी करने का फैसला था एसीसी स्पार्टन का, कहीं ना कहीं वो फैसला उस रन का जो टारगेट देख रहे थे वो नहीं जा पाए। कहीं ना कहीं बैटिंग थोड़ी
वापसी करी एसी स्पार्टन ने और इक्वल्स की कुछ गलतियां जो एसी स्पार्टन से काम आई वो अंत में मैच उनकी तरह बदला और कहीं ना कहीं दोनों ही टीमें इस मैच के बाद अगर घर जाएंगे तो जरूर सोचेंगी क्योंकि क्या क्या गलतियां उन दोनों ने की है जो इस मैच को इतने क्लोज लेके गए। मैच बहुत ही शानदार ढंग से खेला गया और उतने ही क्रिकेट स्पीड से दोनों ही टीमों ने इस गेम को खेला तो उसके लिए दोनों ही टीमों की काबिल तारीफ। आज के मैच के अवार्ड की बात की जाए तो बेस्ट कैच जो एक बहुत ही तनावपूर्ण सिचुएशन चल रही थी उस टाइम पे जो बहुत ही शानदार कैच निकल गया कीपर द्वारा रोहित सोनी जैसे कि हम हमेशा सीजीएस विकेट देखते हैं तो बहुत ही शानदार विकेट रहती है लेकिन आज कहीं ना कहीं आई थिंक थोड़ा विकेट ड्राई था जिसके कारण बल्लेबाजों को भी परेशानी हुई लेकिन बल्लेबाजी भी उतनी ही थोड़ी यहाँ पर आप कम देखने को मिली यहाँ पर दोनों ही टीमों की तरफ से। इसी के साथ बेस्ट बॉलर की जो आज जो रैली जीती है आकाश नागपाल 4 ओवर में 2 विकेट 17 रन लेकर बहुत कैसी करा गया कैसी अंग्रेजी में चेंज हुआ भाई। जैसा कि एसीसी स्पार्टन्स की शुरुआत अच्छी नहीं हुई थी लेकिन हमेशा देखा गया है कि जो संकट मोचक एसीसी स्पार्टन्स के लिए रहते हैं नितेश कटारिया बहुत ही शानदार बल्लेबाजी करी मांगी हुई बनी यार ये सारे अवार्ड तो एक्चुअली में ट्रिक हीरोज ने दिए हमने नहीं दिए लेकिन एक अवार्ड हमारे हक में था गेम चेंजर का। हर किसी को लगता है कि कोई छुट्टी मार के कोई 4-5 विकेट लेके गेम को पलटता है लेकिन ऐसा नहीं है। जो हम लोगों ने यहाँ पर गेम को देखा मैच को देखा मात्र 4 ओवर में 18 रन देकर 1 विकेट सिर्फ लिया लेकिन बहुत ही शानदार बॉलिंग करी रवि दत्त स्टार परफॉर्मर ऋषभ पनवार बहुत ही शानदार बल्लेबाजी गेंदबाजी कट बोला था हेलमेट और कैडी ने छक्का बच गया छक्का बच गया। मैच का लास्ट अवार्ड जो पहले ही बता चुके हैं कि बल्लेबाजी बहुत ही शानदार करी नितेश भाई ने एक बार फिर से बुलाना चाहूंगा नितेश भाई भैया अपनी इंटरव्यू में लो ना यार भैया इंटरव्यू में लो यार इंटरव्यू तो ले लो भैया इंटरव्यू लो यार थोड़े का इंटरव्यू सुन ना। आज एसी स्पार्टन्स को बहुत बहुत बधाई आप ये जो क्वालिफाई कर चुके हैं सेमीफाइनल के लिए और इक्वल टीम जो बहुत ही शानदार टूर्नामेंट रहा इनका आशा करते हैं आगे भी बहुत बढ़िया मैच खेलेंगे आप। थैंक यू सो मच आज का ये जो बहुत ही महत्वपूर्ण मुकाबला था जो खत्म हो चुका है एसीसी स्पार्टन्स और इक्वल्स के बीच में। जैसा कि हमने पहले ही कहा था कि मैच चाहे छोटा हो या बड़ा हो लेकिन एंड तक खेलना पड़ता है और उसी का एक बहुत ही बढ़िया एग्जांपल एसीसी स्पार्टन्स ने दिया है जिस तरह से अपने गेम को नहीं छोड़ा कुछ कैचे भी छूटी कुछ यहाँ पर देखा गया कि बहुत मिसफील्डिंग भी हो रही थी लेकिन एंड तक गेम को खेले और उस गेम का नतीजा था कि वो जो मैच था अपने हक में लेके आ पाए। तो ये क्रिकेट का यही सीख है कि आप गेम को नहीं छोड़ें आगे तक ये मैच को लेके जाएं और उसका परिणाम आपको एंड में ज़रूर मिलेगा। तो एसीसी स्पार्टन्स की जितनी तारीफ की जाए उतनी कम होगी लेकिन इक्वल्स भी उतने अच्छा ढंग से खेली है तो मैं कप्तान एसीसी स्पार्टन्स के कप्तान अमित जी को बुलाना चाहूँगा। सर कॉन्ग्रेचुलेशन थैंक यू फर्स्ट ऑफ ऑल हमें सर जो आज आपका टॉस जीत के फैसला था बल्लेबाजी करने का और जब हमने देखा कि यहाँ पर विकेट जिस ढंग से खेला था क्या मतलब स्टार्टिंग में क्या रणनीति थी कि आप लोग ज़्यादा अटैक की तरफ नहीं जा रहे थे। आई थिंक दे बोल्ड रियली वेल सो द इक्वल टीम बोल्ड रियली वेल बॉल थोड़ा नीचे रह रहा था बॉल ऐसा नहीं कि बिल्कुल बढ़िया आ रहा था बॉल थोड़ा नीचे रह रहा था ऑब्वियसली थर्ड इनिंग की वजह से पिच पे एंड द टीम इक्वल टीम बोल्ड वेरी वेल हमारा पूरा लेफ्ट हैंड राइट हैंड कॉम्बिनेशन रहा है ऑलमोस्ट पूरे फर्स्ट ओवर बट स्टिल दे कैप्ट द बॉल ऑन द लाइन बोल्ड व्हिच मेड इट डिफिकल्ट फॉर और ये इसमें लेफ्ट हैंड ही अपने बैट्समैन भरे हैं मतलब किसी भी टीम के लिए मैं कहूँगा कि सोचने पे मजबूर कर देते क्योंकि कोई भी घर से सोच के आता कि यार चलो 1-2 मिलेंगे लेकिन यहाँ 8-7-8 का जो कॉम्बिनेशन आपने बनाया वो कैसे रहते सब अपने हमारे साथ ही काम करते हैं सब मिलजुल के खेलते हैं और हमें पता था कि उनके पास 4-3 लेफ्ट हैंड 2 लेफ्ट आर्म बॉलर हैं 2 लेग स्पिनर हैं तो वी न्यू दैट हमें लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन चाहिए तो वी वेंट इन विद 1 एक्स्ट्रा लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन बट वैसे ही पर्टिकुलर मैच की बात करूँगा आपके और भी मैचेस हमने देखे हैं जो आज स्टैंडर्ड आप लोगों का दिखा वो कहीं ना कहीं आपके लेवल का नहीं था तो कहीं ना कहीं ये आज सोच विचार का भी जरूर विषय है कि क्या आपको मतलब जो फील्डिंग लेवल थी उसमें इम्प्रूवमेंट की बहुत ज़रूरत है।
बिल्कुल, और एक्चुअली हमारा स्कोर आज थोड़ा कम था और उसके बाद उनकी स्टार्ट बहुत अच्छी थी, तो विद इन फर्स्ट 10 ओवर्स 84 for 3 थे. सो आई थिंक इन दोज लास्ट फ्रॉम 6th to 10th ओवर हमारी थोड़ी शोल्डर डाउन हुए एक दो सिक्स लगने के बाद, एंड वी लेट द मैच गेट लूज फ्रॉम आवर ग्रिप. बट आई थिंक वहाँ 10 ओवर में 84 for 3 थे, वहाँ से हमने कम बैक किया, एक दो विकेट जब मिली. और जो रवि दत्त की बात की जाए तो जैसे इसको भी नहीं, आई थिंक मुझे इस मैच से पहले लग नहीं रहा कि हमने रवि दत्त का नाम भी सुना है, हमेशा नेटिव कट आ रही है और आपके एक दो जो प्लेयर्स हैं वो काफ़ी ऊपर रहते हैं, लेकिन जो रवि दत्त एकदम सरप्राइज पैकेज के रूप में आए, साधारण उन्होंने बॉलिंग करी लेकिन बिल्कुल लाइन लेंथ उन्होंने जो रखी हुई थी उसके बाद पूरा पूरा फायदा आप लोगों को मिला. बिल्कुल, वो हमें पता था कि मतलब यहाँ थ्री इनिंग्स में इस थर्ड फोर्थ इनिंग में बॉल नीचे रहेगा थोड़ा, तो यू नो उसकी बॉल नीचे स्किड होती है, तो इसलिए इट वॉज अ सरप्राइज पैकेज. और जो आखिरी ओवर था जहाँ पर दूसरी टीम को छः बॉल में मात्र 8 रन दिए और एक ऐसा ऑप्शन आप लेके आए, तो वहाँ क्या माइंड सेटअप था, क्योंकि वो एंड थोड़ा छोटा भी था, फिर भी आप अपने बैक किए अपने बॉलर्स को. वी एक्चुअली वर लिटिल कंफ्यूज, वी हैड वन लेफ्ट आर्म स्पिनर मिसेज कटारे का ओवर पड़ा था, ईशान का ओवर पड़ा था, एक्चुअली वेंट टू बोथ द बॉलर्स एंड वी फेल्ट ईशान इज मच मोर कॉन्फिडेंट बॉल दैट लास्ट ओवर एंड थ्री फोर, एंड उसकी बॉल स्किड होती है तो हमें पता था इतना आसान नहीं होगा, ऑफ स्पिनर भी है बट इतना आसान नहीं होगा. तो अभी एक सेमीफाइनल के लिए पूरी टीम बैक डोर तैयार है. बिल्कुल, सेम टीम है, सेम बट गुड लक कि आपका अगला जो मैच है वो भी अच्छी है, आप अच्छे ढंग से खेलें और जो कमियां आज हैं वो आज आगे मैच में ना हो तो वो एक बहुत ही अच्छी तरह से आप जीत सकते हो. गुड लक टू द गोलगट्टम टीम फॉर द एंटायर कवरेज. थैंक यू सर. थैंक यू. गोलगट्टम लक्कड़पट्टम जो क्रिकेट का हिंदी अनुवाद होता है जी, वो इनका यूट्यूब चैनल है और आप प्लीज उस चैनल को सपोर्ट कीजिए जितना आप सब्सक्राइब कर सकते हैं. स्पोर्ट्स तक करते ही आप इनको भी कीजिए,